मास ऑफ 70% H2SO4, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो परसेंटेज प्योरिटी पर बेस्ड है। एक H2SO4 का सैंपल है, उसकी खास बात क्या है कि वो 70% प्योर है। प्योर लिखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, 70% इसमें कंटेंट है प्योर H2SO4 का। रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH इज हाउ मच? H2SO4 का रिक्वायरमेंट होता है, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, जो कि बाद में सिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन आप इसको एसिड बेस रिएक्शन से कर ही सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में एप्लीकेबल होगा। H2SO4 प्लस NaOH, आप जानते हैं Na2SO4 प्लस H2O, ये रिक्वायर ये मिलता है। 2 H2O के मोल बनते हैं और 2 NaOH के मोल खर्च होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन कोफिशेंट उसका 1 है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन कोफिशेंट उसका 2 है। इसका इस्तेमाल करना है आपको, और NaOH के मोल आपको 1 दिए हुए हैं, H2SO4 के मोल्स आप यहां से लिखेंगे, देखिए कैसे। लेट एक्स ग्राम सैंपल इज टेकन, ठीक है, एक्स ग्राम सैंपल लिया हुआ है, सो वेट ऑफ प्योर H2SO4 इज हाउ मच? अगर टोटल सैंपल का वेट एक्स ग्राम है तो आपको ध्यान देना है कि H2SO4 उसमें 70% ही है, 70% ऑफ एक्स, ठीक है ना, यानी 0.7 एक्स। तो यहां पर अब नेक्स्ट कैसे लिखूंगा देखना। वेट ऑफ H2SO, मोल्स ऑफ H2SO4 इज वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय कोफिशेंट, ठीक है ना। मोल्स ऑफ NaOH आर 1 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट 2, यहां से आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ही रिक्वायरमेंट है। यहां से क्या आ गया आंसर, 0.7 x/98 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से x क्या आया, 98/2 × 0.7, ये आ गया 49/0.7, ये आ गया 70 ग्राम्स। 70 ग्राम आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर क्या है, 70 ग्राम, आपका आंसर 70 ग्राम। और सामने आपके सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का यही है, यहाँ से चालू करें, समझाएं कि H2SO4 है वो 70 ग्राम प्योरिटी रखता है, तो मास जो है ये लेना पड़ेगा, और फिर आपको जो आपने जो बच्चों को सिखाया हुआ है मोल्स ऑफ H2SO4/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH/2, उसको कोफिशिएंट इक्वेशन लिखकर सॉल्व करना है, ठीक है ना। आंसर आ गया ऑप्शन ए।